लोकसभा चुनाव में अब कुल मिलाकर 20 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर लगाने में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजी मारते हुए बॉलीवुड पर सबसे बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने सभी बड़े एक्टर्स को ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि वो लोगों से वोट देने की अपील करें। अब ना चाहते हुए भी ये बीजेपी का प्रचार ही है। खैर, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने पुराने दोस्त सलमान खान को याद करते हुए उन्हें भी ट्विटर पर टैग किया और कहा कि वो लोगों से वोट देने की अपील करें। अब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब सलमान खान इस ट्वीट का जवाब देंगे। इससे पहले पीएम ने जिन सेलिब्रिटी को टैग करते हुए वोट देने की अपील की थी, उन सभी ने बिना देर किए पीएम को रिप्लाई कर दिया। लेकिन सलमान खान का रिप्लाई नहीं आया तो लोगों ने मान लिया कि दोनों की दोस्ती में अब खटाई पड़ चुकी है। लेकिन 10 दिन बाद सलमान खान की ये दोस्ती फिर जागी और उन्होंने इस बात पर रिप्लाई किया। सलमान ने लिखा, हम एक लोकतंत्र हैं और वोट हर भारतीय का अधिकार है। मैं भारतीयों से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने और सरकार बनाने में सहभागिता की अपील करता हूं। सवाल ये है कि सलमान खान को इस बात का जवाब देने में 10 दिन क्यों लग गए। वजह कुछ भी हो, लेकिन सलमान इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी पार्टी का नाम उनसे जुड़े। पिछले दिनों खबर ये भी थी कि सलमान इंदौर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टियां सलमान को घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 2014 में सलमान खान चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाते नजर आए थे। अंदर के लोग ऐसा मानते हैं कि सलमान खान मोदी का सपोर्ट करते हैं। खुद प्रधानमंत्री भी सलमान खान को काफी पसंद करते हैं। सलमान कई दफा मोदी का नाम लिए बिना उनकी तारीफ करते दिख चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।